नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में उद्योग को लेकर। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हमने बिहार में उद्योग को लेकर जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा सुना तो वह बिहार सरकार की उद्योग मंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्र सरकार के मंत्री, हर किसी ने इसके काम की सराहना की है। कहा जा रहा है कि आप बिहार में उद्योग लगाकर ही दम लेंगे। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल 36,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, यानी कि इतने पैसे बिहार में इन्वेस्ट किए जाएंगे। यहाँ कल कारखाने लगेंगे। देश की नामचीन कंपनियाँ अपने उत्पाद का प्रोडक्शन जो है यहाँ से शुरू करने वाली है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही साथ बिहार में लंबे समय से चली आ रही पलायन की बात पर अब विराम लग जाएगा। अब लोग अपने ही प्रदेश में रहकर प्रदेश के विकास की बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है। बिहार में इन फूड, टेक्सटाइल, पेप्सी के प्लांट के साथ साथ ITC ने बिहार में औद्योगिक इकाइयां लगानी शुरू कर दी है। यहां तक कि कई कंपनियों ने उद्योग की शुरुआत भी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में जिन कंपनियों ने निवेश के लिए सहमति जताई उसमें अडानी, लुलू ग्रुप, ITC, HUL, कोको कोला, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, अमूल, ब्रिटानिया, पतंजलि, उषा मार्टिन, होंडा, LNT, अरविंद मिल्स, टाटा, ब्लू स्कोप, KEI इंडस्ट्री, श्री सीमेंट, अंबुजा समेत देश की कई बड़ी नामचीन कंपनियां यहां निवेश के लिए अपनी सहमति दर्ज की है, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि बिहार में उद्योग का माहौल बनने वाला है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो दिल्ली में हुए बिहार इन्वेस्टमेंट मीट 2022 में देश भर की करीब 170 कंपनियों ने निवेश का वादा किया, जिसमें कि 30 बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश के लिए अपनी सहमति जताई। इसी इन्वेस्टमेंट मीट में अडानी इंटरप्राइजेज के निदेशक और MD प्रणव अडानी ने कहा कि वाकई काबिल तारीफ है कि बिहार तेजी से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में के लिए रूप में उभर रहा है और अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत ही जल्द एक प्रतिनिधिमंडल निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए बिहार जाएगा। वहीं कोलकाता में हुई इन्वेस्टमेंट मीट में पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के करीब 50 कंपनियाँ इसमें शामिल हुई, जिसमें कि 15 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपनी हिस्सेदारी इसमें दिखाई। इस इन्वेस्टमेंट मीट में केवर्स एग्रो की तरफ से बिहार में 600 करोड़ निवेश करने की बात कही गई। वहीं JRS ग्रुप की तरफ से बिहार में लॉजिस्टिक सेक्टर में 300 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात कही गई है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कोलकाता में बिहार इन्वेस्टमेंट मीट में बोलते हुए कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए 1900 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें कि 73 औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरीके से सुविधा युक्त, पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस औद्योगिक स्थलों पर यातायात लेकर बेहतर कनेक्टिविटी है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार में उद्योग के द्वार खुलने वाला है। अब लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर बिहार में जिस तरह से उद्योग मंत्री ने एक पहल की है और उसके बाद से देश की नामचीन कंपनियां जिस तरह से यहां इन्वेस्टमेंट करने की बात कह रही है, उससे तो अब यही लगता है कि बिहार के जो कामगार हैं अब दूसरे राज्यों में जाने से मुनासिब समझेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।